हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अभिकारक और उत्पाद उत्पाद के बारे में समझेंगे कि अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। आपको इस वीडियो में आप लोगों को एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अभिकर्मक या अभिकारक या प्रतिकारक, ये सबका एक ही नाम होता है। ठीक है, कोई पूछे कि प्रतिकारक किसे कहते हैं या अभिकारक किसे कहते हैं या अभिकर्मक किसे कहते हैं, ठीक है, तो आप लोगों का आंसर एक ही होगा, यही जो अब लिखा गया है। ठीक है, इसको हम आप लोगों को एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाएंगे और ये सब इसका जो परिभाषा है हम इसको इसके द्वारा भी समझाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पे क्या कि अभिकारक किसे कहते हैं या प्रतिकारक या अभिकारक या अभिकर्मक किसे कहते हैं। देखिए, कह रहा है कि वैसा रसायन तत्व या यौगिक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक या अभिकर्मक या प्रतिकारक या अभिकर्मक या अभिकारक कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भी भाग लेगा उसको क्या कहेंगे, प्रतिकारक या अभिकर्मक या अभिकारक कहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, देखिए देखिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, जैसे हम लोग का देखिए यहाँ पे इसको बैलेंस कर दिया गया है। ठीक है, बैलेंस किया गया है इसीलिए इसको लिखा गया है जैसे 2Na+2H2O इक्वल टू 2NaOH+H2। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसमें सोडियम यानी Na जो है सोडियम है और जल जो है H2O रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और इसलिए इसे प्रतिकारक या अभिकर्मक कहते हैं। कहने का मतलब ये जो है हम लोग को इधर वाला पार्ट को अभिकारक या प्रतिकारक या अभिकर्मक कहते हैं इसको। ठीक है, इसको प्रतिकारक अभिकारक या अभिकर्मक कहते हैं, ये वाला पार्ट को जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, एक बार हम फिर इसको समराइज कर, देखिए कह रहा है कि वैसा रासायनिक तत्व तो या यौगिक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे प्रतिकारक या अभिकर्मक या अभिकारक कहते हैं। समझ गए होंगे, हमको पूरा विश्वास है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए इसी में दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को आप लोग नोट्स में भी शामिल कर सकते हैं, इस मतलब ये परिभाषा को कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी काट नहीं सकता है क्योंकि इतना बढ़िया से सजा के लिखा गया है हर एक चीज़ कि आप लोग इसको देख के समझ सकते हैं कि हाँ कैसे लिखा गया है, कितना बढ़िया से बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको बैलेंस किया गया है, दूसरे वीडियो में हम लोग बैलेंस करने के सिखाएंगे कि कैसे बैलेंस हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद समझेंगे हम लोग यहाँ पे उत्पाद किसे कहते हैं यानी प्रोडक्ट किसे कहते हैं। इसी में अभिकारक और प्रोडक्ट क्या होता है आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ या तत्व या यौगिक बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए यहाँ पे जैसे CaO+H2O इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस, यानी ये कली चूना है और ये जल है और ये भर की चूना बन गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब देखिए ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये जल और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूरा नाम भी देखिए आप लोगों को बता दिया गया है। ठीक है, किसको क्या कहते हैं। अब देखिए इस रासायनिक अभिक्रिया में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पाद हुआ। देखिए कहने का मतलब, अब देखिए हम आप लोगों को समझाते हैं कितना बढ़िया से, ये कभी भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हम लोग का ये रिएक्शन हम लोग का दिया हुआ है। ठीक है, ये समीकरण हम लोग का दिया हुआ है रिएक्शन की CaO+CaO+H2O। ठीक है, और ये जो है हम लोग का बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस होता है। ठीक है, इसको हम आप लोग को हिंदी में भी सब लिख दिए हैं, आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं कि किसको क्या कहते हैं। जैसे इसको कैल्शियम ऑक्साइड कहेंगे, ये जल हो गया और ये पूरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया जिसको हम लोग भर की चूना भी कहते हैं। अब देखिए ये वाला पार्ट एकदम सिंपल वे में समझिए कि क्या होता है। जैसे ये वाला पार्ट यानी तीर के इधर वाला पार्ट, ये जितना भी है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट को हम लोग अभिकारक अभिकारक या अभिकर्मक या उत्पाद अभिकर्मक या प्रतिकारक देखिए हम लिख देते हैं। इसी का नाम है, एक ये नाम है, दूसरा एक अभिकारक, एक प्रतिकारक, प्रतिकारक अभिकारक एक या अभिकर्मक 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 इसका तीन नाम है, तीनों नाम में से जो भी नाम बोलेगा इसको ये वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट को अभिकारक प्रतिकारक या अभिकर्मक कहेंगे। और देखिए तीर के बाद वाला पार्ट, तीर के पार्ट वाला पार्ट को इसको हम क्या बोलेंगे, उत्पाद उत्पाद बोलेंगे। तीर के बाद वाला जो पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्पाद, जिसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि
अभिकारक या अभिकर्मक या प्रतिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। हम एक बार इसको बढ़िया से हम आप लोगों को दिखा देते हैं कि आप लोग इसको बढ़िया से लिख सकोगे। जैसे आप लोगों को लिखना होगा तो आप लोग यहाँ से आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आराम से ये जैसे अभिकारक किसे कहते हैं, तो वैसा रासायनिक तत्व तो या यौगिक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक या प्रतिकारक या अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करिएगा कि यहाँ पे इसका रिएक्शन लिख दिएगा, जैसे यहाँ पे दिया गया है रिएक्शन, और इसमें लिख सकते हैं कि सोडियम और जल यानी H2O को रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, अतः इसे अभिकारक या प्रतिकारक या अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद उत्पाद में क्या होगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के फलस्वरूप, मतलब जब अभिक्रिया हो जाता है उसके बाद अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ यानी तत्व तो या यौगिक बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं, ठीक है, उत्पाद कहलाते हैं। जैसे CaO+H2O इक्वल टू COOH का होल ट्वाइस बन गया, और ये कली चूना इसको कहते हैं, इसको जल कहते हैं, ये भरकी चूना हो गया, और इसका रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं इसको, ठीक है, कली चूना या इसका बिना बिछा हुआ चूना भी कहते हैं इसको, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब ये इसका रासायनिक अभिक्रिया देखिए यहाँ पर लिख दिया गया, ये थी यह रासायनिक अभिक्रिया में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पाद है। दोस्तों हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग इसको बढ़िया से समझ गए होंगे, और दोस्तों आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और लाइक जरूर करिए दोस्तों। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट भी करें कि हाँ अगर वीडियो अच्छा है कि और कुछ भी आप लोगों को दिया जाए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर लिखें कि क्या पढ़ाया जाए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।